नमस्कार, सच कहूँ न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। मोदी ने बिचौलिए की भूमिका निभाई, डील के 10 दिन पहले अनिल अंबानी को थी इसकी जानकारी। अखिलेश को एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोका गया, बोले छात्र नेता के शपथ ग्रहण से डरी सरकार। करोलबाग के होटल अर्पित में भीषण आग, 17 की मौत, दोपहर फिर धुआं उठने से हड़कंप। दिल्ली में 20,000 करोड़ के हवाला रैकेट का पर्दाफाश, एक गिरोह चला रहा था मनी लॉन्ड्रिंग। ईडीएमसी के बाहर आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर राफेल डील पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ईमेल दिखाया, उन्होंने कहा कि इसमें एयर बेस के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखा है कि अनिल अंबानी फ्रांस के रक्षा मंत्री से मिले थे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव से कहा था कि 10 दिन बाद राफेल डील होनी है और वो इसे हासिल करने जा रहे हैं। राहुल का आरोप है कि डील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बिचौलिए की भूमिका निभाई। राहुल ने सवाल उठाया कि जिस डील के बारे में देश की रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और हिंदुस्तान एयरनोस्टिक लिमिटेड को जानकारी नहीं थी, उसके बारे में अनिल अंबानी कैसे जानते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मंगलवार को अमौसी एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोक दिया गया। अखिलेश प्राइवेट प्लेन से एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे थे, उनका कुंभ जाने का भी कार्यक्रम था। अखिलेश को रोके जाने के मुद्दे पर संसद, विधानसभा और विधान परिषद में जोरदार हंगामा हुआ। इस बीच सरकार ने कहा कि अखिलेश को रोकने का फैसला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आग्रह पर लिया गया है। अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया, इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतना डर गई है कि मुझे हवाई अड्डे पर ही रोका जा रहा है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में मंगलवार तड़के होटल अर्पित पैलेस में भीषण आग लग गई। जान गंवाने वालों में 17 लोगों की में 7 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चा शामिल है। मरने वालों में ज्यादातर लोग देश की राजधानी दिल्ली घूमने आए टूरिस्ट और अन्य लोग थे। म्यांमार और कोची से आए लोग भी इनमें शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के बाद जान बचाने के लिए कई लोग तकिए लेकर चौथी मंजिल से कूदे, लेकिन बच नहीं पाए। मरने वालों में ज्यादातर लोग केरल से हैं। घटनास्थल पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी पहुंचे और उन्होंने हादसे पर दुख जताते हुए परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं कुछ देर बाद दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आयकर विभाग ने सोमवार को हवाला कारोबार से बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। ये गिरोह दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चला रहा था। सूत्रों ने बताया है कि पुरानी दिल्ली के विभिन्न कारोबारी क्षेत्र में पिछले कुछ सप्ताह के दौरान आयकर विभाग की दिल्ली इकाई की छापेमारी में इसका पता चला है। हवाला कारोबार से जुड़े 3 समूहों द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों में लिप्त होने का भी पता चला है। नया बाजार इलाके में एक ऐसे ही सर्वे किया गया जिसमें करीब 20,000 करोड़ के फर्जी बिल मिले हैं। इसके लिए समूह ने कई फर्जी इकाइयां बना रखी थी। विभाग ने आरोपियों की पहचान उजागर नहीं की है। निलंबन की कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के पार्षद और मनोनीत सदस्य सोमवार देर शाम से पड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में धरने पर बैठ गए हैं और ये धरना मंगलवार को भी जारी है। पार्षदों का कहना है कि जब तक निलंबन की कार्यवाही वापस नहीं होगी और बीजेपी पार्षद रोमेश गुप्ता को निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। वही मंगलवार को पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्हें गेट पर रोक लिया गया। आप पार्षदों के संसद से निलंबन का विरोध किया जा रहा है। दिनों संसद का बजट सत्र चल रहा है। संसद के बजट सत्र का आज 9वां दिन है। इस बीच मंगलवार को एक कांग्रेस सांसद की कार ने संसद परिसर में लगे बैरिकेड को तोड़ दिया। इससे सुरक्षा में तैनात गार्ड्स में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दी गई और कार की तलाश के लिए हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया। कुछ ही देर बाद पता चला कि ये कार मणिपुर के से कांग्रेस के लोकसभा सांसद डॉक्टर थोकचाप मिन्या की है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में 20,000 महिला सरपंच और पंच को स्वच्छता का संकल्प दिलाने पहुंचे। उन्होंने इस कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के तहत अपने गांवों को खुले शौच से मुक्त कराने के लिए 12 महिला पंच और सरपंचों को सम्मानित किया। स्वच्छता और
ओडीएफ में बेहतर काम को लेकर पिछले साल पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद देश भर से 12 महिला पंच सरपंचों को चुना गया। जलंधर के नाकोदर रोड पर लाल रत्न सिनेमा के पास स्थित तरंग मोबाइल हब में सोमवार तड़के 4:30 पर चद्दर गैंग ने शटर उखाड़कर शोरूम से 4 नए और 8 पुराने आईफोन और करीब 30,000 रुपए की चोरी कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में चेहरा ढके हुए 11 आरोपी रिकॉर्ड हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है कि 10 सेकंड में 11 युवक मोबाइल शोरूम के बाहर आ जाते हैं। इनमें से 2 आरोपी चादर निकाल लेते हैं और उनके साथी चादर पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। दोनों लोहे की रोड से शोरूम का शटर उखाड़ा और दो अंदर चले गए, जबकि बाकी सड़क पर आ गए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज के साथ।